Hi guys, welcome to my channel Stay Beautiful and this is Meenakshi. Friends, अगर हम hair problems की बात करें तो list endless है but इस list के top पे जो problem आती है वो है hair fall की problem. अब हम में से चाहे males हो या females ये problem सब में common होती है. अब देखिए थोड़े बहुत बाल झड़ना काफ़ी कॉमन बात है, इसमें ज़्यादा वरी करने की बात है नहीं, सभी के झड़ते हैं. बट प्रॉब्लम तब आ जाती है जब ये प्रॉब्लम एक सर्टन लेवल से एक्सीड कर जाती है और साथ ही साथ आपका स्कैल्प भी काफ़ी इनकेपेबल होता है टू प्रमोट न्यू ग्रोथ ऑफ द हेयर. अब हम में से कुछ ब्लेस्ड लोग होते हैं जिनको हेयर फॉल तो होता है बट उनकी हेयर ग्रोथ इतनी सुपर्ब है कि उनका ये जो ग्रोथ है वो इस लॉस को कॉम्पनसेट कर देता है. साथ ही होते हैं कुछ ऐसे लोग जिनको हेयर फॉल की प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं है, उनकी हेयर ग्रोथ तो बहुत वीक है बट क्योंकि उनको हेयर फॉल नहीं होता तो इवन उनकी सिचुएशन भी बहुत ज़्यादा बैलेंस आउट हो जाती है. प्रॉब्लम आती है हम में से उन लोगों को जिनको हेयर फॉल तो होता ही होता है, साथ में उनकी हेयर ग्रोथ भी इतनी ज़्यादा पुअर और वीक है कि वो उसके लॉस को कॉम्पनसेट नहीं कर पाती. आप अपनी लाइफ में काफ़ी बार मिलते होंगे ऐसे लोगों को जो अपने लेट 20s में है या अर्ली 30s में है और उनको अभी से पार्शियल बॉल्डनेस होने लगी. आपको उनके स्कैल्प पे थोड़े थोड़े पैचेस दिखते होंगे जिसे वो डिफरेंट तरह के हेयर स्टाइल से या पार्टिंग्स करके किसी तरह छुपाने की कोशिश करते हैं. अब छुपाने तक तो ठीक है लेकिन आप कितने दिन तक छुपाएंगे, बिकॉज अभी से अगर ये हाल है तो आप इमेजिन करिए कि 10 से 15 साल के बाद जब आप अपने अर्ली 40s या मिड 40s हिट करेंगे तब तक आपको कितना सीवियर हेयर फॉल हो चुका होगा. तो अब ऐसे में आपको क्या करना चाहिए, मेरी आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ एक बहुत ही बेसिक सिंपल और इनएक्सपेंसिव होम रेमेडी जिसे यूज़ करके आप अपने बालों की ग्रोथ को प्रमोट करने के साथ साथ एग्जिस्टिंग बालों का हेयर फॉल रोक सकते हैं. चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके साथ में जो छोटा सा बेल बटन है उसे प्लीज़ प्रेस कर दीजिए ताकि आप मेरे सारे लेटेस्ट वीडियोज़ के साथ अपडेटेड रह सकें. और अगर ये वीडियो आपको यूज़फुल लगती है तो लाइक और शेयर भी जरूर करिए. इस रेमेडी के चार मेन इंग्रेडिएंट्स हैं जिनमें दो सबसे ज्यादा एक्सट्रीमली सुप्रीमली इंपॉर्टेंट हैं जो कि है अनियंस एंड करी लीव्स. अनियंस और करी लीव्स दोनों में ही होते हैं बहुत सारे बेहतरीन हेयर ग्रोथ प्रॉपर्टीज जिनके बारे में मैं आगे वीडियो में आपको बताऊंगी कि ये कैसे वर्क करते हैं. अब आप में से वो लोग जो ऑलरेडी जानते हैं कि अनियन हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल होता है हमारी हेयर ग्रोथ के लिए, बट द प्रॉब्लम इज कि आजकल की लाइफ में हर कोई बहुत बिजी है, हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं है. ऑल्सो हाफ द टाइम्स हम बहुत ज़्यादा आलसी या टायर्ड फील करते हैं इस तरह की रेमेडीज़ करने के लिए. और कौन अब हर दूसरे दिन बैठ के अनियन का जूस निकालते बैठेगा, साथ में उसमें जो स्मेल आएगी वो अलग. तो फिर उन सारी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन मेरी आज की रेमेडी में आपको मिल जाएगा क्योंकि हम बनाने जा रहे हैं एक ऐसा मैजिकल मिराकुलस हेयर टॉनिक और अ मैजिकल अनियन एंड करी लीव्स ऑयल जो आपको बनाना होगा सिर्फ साल में 2 से 3 बार. आप इसे आराम से 6 महीने के लिए स्टोर करके रख सकते हैं और जब भी आप हेयर वॉश करें एक रात पहले इस ऑयल को अपने सर पे अच्छे से मसाज करके लगा लीजिए एंड दैट्स इट, यू आर गुड टू गो. सो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं. यहाँ पे मैं ले रही हूँ एक बड़ा अनियन क्योंकि मैं ये ऑयल सिर्फ 1 मंथ के लिए बना रही हूँ. अगर आप 6 मंथ्स के लिए बना रहे हैं तो आप 6 बड़े अनियंस ले सकते हैं. साथ में मैं ले रही हूँ अप्रॉक्सीमेटली एक मीडियम बाउल ऑफ करी लीव्स विच इज़ 100 ग्राम्स. अगर आप 6 मंथ्स के लिए बना रहे हैं तो आपको 250 ग्राम यानी 1 पाव करी लीव्स की ज़रूरत होगी. साथ में हमें चाहिए नारियल तेल और कैस्टर ऑयल. मैं यहाँ पर अप्रॉक्सीमेटली 150 ml ऑफ द कोकोनट ऑयल यूज़ करने वाली हूँ विच इज़ अप्रॉक्सीमेटली हाफ ऑफ दिस पैकेजिंग दैट यू सी, क्योंकि मैं ये सिर्फ 1 मंथ के लिए बना रही हूँ. अगर आप 6 मंथ्स के लिए बना रहे हैं तो आपको चाहिए होगा 500 ml यानी आधा किलो का पैक. कैस्टर ऑयल का रेशो बेसिकली हमें रखना है कोकोनट ऑयल का ऑलमोस्ट हाफ. अब एक गैस स्टोव ऑन करके उस पर अपना पैन रख दीजिए और उसमें नारियल तेल को ऐड कर दीजिए. साथ ही में ऐड कर दीजिए कैस्टर ऑयल और अब उसके बाद जब ये तेल 2-3 मिनट के लिए ल्यूकवॉर्म हो जाए तब हम इसमें डाल देंगे अपने अनियंस, जिसके बाद ये हल्के से इस तरह के वाइट बबल्स प्रोड्यूस करेगा बट दैट्स फाइन, दे आर जस्ट गोइंग टू सेटल डाउन इन 2 मिनट्स. और उसके बाद हम इसमें करी लीव्स को भी ऐड कर देंगे और फिर हम एक स्पून की मदद से इस मिक्सर को अच्छे से चला देंगे. और अब हमें इसे गैस पर रखना है करीब 15 से 20 मिनट गर्म होने के लिए. अगर आप 6 मंथ्स के लिए प्रिपरेशन करते हैं तो आपको कम से कम 30 मिनट्स इसे गैस पर रखना है. सो 20 मिनट्स हो जाने के बाद आप गैस को बंद कर दीजिए और आप देख सकते हैं कि ऑयल की क्वांटिटी इवेपोरेट होके ऑलमोस्ट हाफ हो चुकी है और करी लीव्स और अनियंस का कलर एकदम गोल्डन ब्राउन हो चुका है और साथ में ऑयल का भी. अब हम इस ऑयल को रात भर सिट करने के लिए छोड़ देंगे अप्रॉक्सीमेटली 7-8 आवर्स. दैट मीन्स वी हैव टू कीप इट ओवर नाइट.
अगली सुबह 7 से 8 घंटे के बाद ये ऑयल कुछ इस तरीके का दिखाई देगा। और अब मैं यहाँ पर लेने वाली हूँ एक कांच का बाउल और एक स्ट्रेनर की हेल्प से मैं इस ऑयल को एक्सट्रैक्ट कर लूँगी। इसके बाद हमारा ऑयल कुछ इस तरीके का दिखेगा। और अब मैं लेने वाली हूँ एक कांच का ग्लास जिसमें मैं इस ऑयल को पहले ट्रांसफ़र कर रही हूँ, जिससे कि फाइनली बॉटल में ट्रांसफ़र करते वक्त प्रोडक्ट वेस्टेज कम हो। अब मैं इस तरह की एक छोटी बॉटल ले लूँगी। इस तरह की बॉटल 30-40 रुपए की आराम से आपको मार्केट में भी मिल जाएगी, या घर पे रखी कोई एम्प्टी बॉटल यूज़ कर सकते हैं। अगर आप 6 मंथ्स के लिए बना रहे हैं तो आपको बड़े पैक की ज़रूरत पड़ सकती है। एंड दैट्स इट, अब ये ऑयल मैं स्टोर करके आराम से 1 महीने के लिए रख सकती हूँ। अब आप इस तरह से एक बाउल में इसे ले लीजिए और फिर एक कॉटन सोप या अपनी फिंगर टिप्स की हेल्प से इसे जेंटली अपने स्कैल्प पे मसाज कर लीजिए। आप जिस भी दिन शैम्पू करने वाले हैं उससे एक रात पहले आपको ये करना है, या फिर एटलीस्ट उससे 3 से 4 घंटे पहले। अब कोकोनट और कैस्टर ऑयल के हेयर ग्रोथ प्रॉपर्टीज़ के बारे में तो हम जानते ही हैं, अब हम बात कर लेते हैं अनियंस के बारे में। अनियंस आर सुपर रिच इन सल्फर, जो आपके बालों की ब्रेकेज को कम करता है, साथ ही में जो बहुत पतले हो चुके हैं उन्हें थिक करने का काम भी करता है, आपके हेयर फॉलिकल नरिशमेंट में हेल्प करता है, साथ ही में आपको हेल्प करता है टू रीस्टोर द लॉस्ट न्यूट्रिएंट्स ऑफ योर स्कैल्प। इसमें काफ़ी सारी एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ और एंटी ऑक्सीडेंट्स होते हैं जो हेल्प करते हैं हमारे स्कैल्प को इन्फेक्शंस को फाइट करने के लिए, जिससे अल्टीमेटली हमारा स्कैल्प हेल्दी हो जाता है और बालों का झड़ना कम हो जाता है। साथ ही में आपके बालों में ऐड करेगा एक हेल्दी शाइन और की प्री मेच्योर ग्रोइंग को भी ये कंट्रोल करेगा। करी लीव्स की अगर बात करें तो उसमें होते हैं बहुत सारे एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स और ये एंटीऑक्सीडेंट्स अमीनो एसिड्स में भी बहुत रिच होता है, जो आपका हेयर फॉल कंट्रोल करके आपकी हेयर ग्रोथ को स्टिमुलेट करता है। इट्स आल्सो अ वेरी रिच सोर्स ऑफ बीटा कैरेटिन। साथ ही में इसमें होते हैं आयरन, कैल्शियम, विटामिन सी, फॉस्फोरस एंड डिफरेंट तरीके के फाइबर्स। ये भी आपके स्कैल्प और बालों को नरिश करने में और कई तरह से उन्हें बेनिफिट करने में हेल्पफुल होता है। अब इस ऑयल को अच्छे से रूट्स टू टिप्स लगाने के बाद आप अपने बालों को एक ब्रेड या बन में इस तरह से टाई कर लीजिए। एंड दैट्स इट, यू आर गुड टू गो। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको आज का ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल लगा होगा। आप इसे प्लीज़ ट्राई कीजिए। मैंने पर्सनली ट्राई किया है, इसीलिए मैं बार बार एम्फोसिस कर रही हूँ। आपको दूसरे ही हफ्ते से विजिबल रिजल्ट्स दिखाई देंगे, आई कैन अश्योर यू दैट मच। सो डू ट्राई दिस एंड लेट मी नो योर फीडबैक। आई विल मीट यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर।